बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत इजीली झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जी। तो इस रेसिपी का नाम है ब्लैक पेपर चिकन रेसिपी। मैंने टाइम को वेस्ट किए बगैर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में जो है एक कप मिल्क लिया है। आप मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं, खुला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। कि मैंने दूध जो है वो पैन में डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ के जी चिकन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 मेंबर्स के हिसाब से चिकन लिया है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने हाफ़ के जी चिकन इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी वो बहुत ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी रेसिपी है। तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले का ऐड किया है। गरम मसाला तो इसको हम नहीं बोलेंगे, अलबत्त सूखा धनिया, हल्की सी काली मिर्च और जीरे पाउडर का ये मिक्सचर है, ये मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया है। इसके बाद चिली सॉस हम लेंगे, किसी भी कंपनी का आप ले लें, ये मैंने 1 चम्मच लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस, ये भी हम 1 टेबलस्पून लेंगे, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस चिकन को आपको मैरिनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप झटपट से इसको घर में रेडी कर सकते हैं। बच्चों को लंच में देना हो या किसी गेस्ट ने आना हो जो ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते, उनके लिए ये बेस्ट है। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, जो कि 3 चुटकियों के करीब है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड कर दी है, जो कि 1/2 टेबल स्पून है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको कवर करने के लिए रख देंगे और हमने वेट करना है तब तक जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल जाए जी। तो हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है और हमारा जो सारा मसाला था वो भी अच्छे से बन चुका है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का, ये मैंने इस पर ऐड कर दिया है। उसमें हम इसको हल्का सा मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि हमारे चिकन की जो शाइन है, इसको हम हल्का सा इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। इस चिकन में ना ज़्यादा ऑयल यूज़ होगा ना ज़्यादा मिर्च यूज़ होगी और ये हमारा चिकन जो है अच्छे से गल चुका है। चलें इसको जो है वो सर्व करते हैं जी। तो हमारा ब्लैक पेपर वाला चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। आई होप ये आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।